हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भैया 2,500 साल पहले भारत के इंजीनियर्स, हाँ जी, उस समय भी होते थे। वो क्रांतिकारी तो थे लेकिन डिग्रीधारी नहीं थे, लेकिन काम डिग्रीधारियों से भी बड़े बड़े कर दिए। तो उस समय के इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करी जिसको पूरी दुनिया ने कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन कॉपी नहीं कर पाए तो तंग आकर टेक्नोलॉजी ही नष्ट कर दी। तो जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खो चुकी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनको दोबारा कॉपी नहीं किया जा सका, जो आज के मॉडर्न साइंस के लिए आज तक पहेली बनी हुई है। और शुरुआत करेंगे हम अपने प्यारे भारत से। तो भैया, पूरी दुनिया में ठगों के सरदार, बोले तो दुनिया में हर बड़ी मुसीबत के सूत्रधार, नॉट अमेरिका मेरे यार, बल्कि अमेरिका के चाटुकार, उसके अखंड प्रचंड लंगोटिया यार, बरतानिया खूंखार, बोले तो ब्रिटेन। तो जब ब्रिटेन के व्यापारी उड्डी मारते हुए भारत देश में आए, तो यहाँ के जो इंजीनियर्स थे, और उस समय इंजीनियर्स को हथियार निर्माता कहा जाता था, उनसे कहने लगे, हे निर्माता महान, क्या है इस सामान के पीछे आपका ज्ञान? हमें भी बताओ ना प्लीज, कैसे किया आपने निर्माण? जिंदगी भर मानेंगे आपका एहसान। और अपने वाले, ये पगलेट क्या कह रहा है? ट्रांसलेटर बोला, जी ये पूछ रहे हैं कि आपने इस तलवार का निर्माण कैसे किया। अपने वाले, हैं? ये हमने बनाई है? वेट अ मिनट, 2,500 साल, भारत के इंजीनियर, अंग्रेज व्यापारी, कछु सुन के ठीक ना लग रहा, ऐसा तो इतिहास में कहीं ना बताया। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई, झूठ है झूठ है झूठ है। अरे ना रे, झूठ नहीं है। दरअसल ये कहानी तीन हिस्सों में बटी हुई है। ये जो तलवार बनाने की तकनीक है, या स्टील बनाने की तकनीक जिसका इस्तेमाल करके तलवार बनाई गई थी, वो तकनीक है 2,500 साल पुरानी। और अंग्रेजों की दिलचस्पी इस तलवार में नहीं थी, बल्कि उस स्टील में थी जिससे ये बनाई गई थी, यानी कि मेटलर्जी का प्रोसेस। दरअसल सच तो ये है कि जब इंग्लैंड के हाथों तलवार लगी, तो उसे खोजते खोजते वो भारत आ गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि जिस लोहे से ये तलवार बनाई गई है, यानी डेमेस्कस स्टील, उसकी खोज तो भारत में हुई है, और पूरी दुनिया में उस टाइम पर इससे बढ़िया क्वालिटी का स्टील कहीं भी नहीं बनाया जाता था। लेकिन दुख की बात ये थी कि हमसे ये टेक्नोलॉजी छीन ली गई, अंग्रेजों के आने से पहले ही छीन ली गई। पहले जानते हैं डेमेस्कस स्टील के बारे में कि ये क्यों था इतना खास, और फिर जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी दोबारा कॉपी क्यों नहीं की जा सकी। अब देखो, यहाँ पर आ रहा होगा आपके दिमाग में एक सवाल। सवाल तो आएंगे, बिना पूछे खाना थोड़ी हजम होगा। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर इस टेक्नोलॉजी की खोज भारत में हुई, तो इसका नाम डेमेस्कस कैसे पड़ गया? इस नाम की तो कोई जगह ना है भारत में, क्योंकि जहाँ तक हमारी ऐतिहासिक किताबें हमें बताती हैं, डेमेस्कस तो सीरिया में है। तो खोज भारत की तलवार का नाम डेमेस्कस पर, ये क्या लोचा है? अरे काहे हो रहे हो परेशान, सब बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सन 1098 में स्वय घोषित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना, यानी यूरोपियन सेना, सीरिया में स्थित डेमेस्कस नाम की जगह पर हमला कर देती है। ये यूरोप वाले आज ही तो शांति का सफेद झंडा लेके घूम रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। जहाँ भी इन्हें कुछ काम का दिखता था, ये वहाँ हमला कर देते थे, और ये लड़ाई चलती है लगभग 8-9 महीने। अब भैया, जिस तलवार से अरब देशों की सेना यूरोपियन हमलावरों का जवाब दे रही थी, वो लाजवाब थी, क्योंकि ना तो उसे तोड़ा जा सकता था और ना ही उसकी धार का मुकाबला किया जा सकता था। बोले तो कटप्पा अंकल की तलवार के जैसे। ये मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार महाराज, सीरियस होकर रिकॉर्डिंग कर लो, क्या कर रहे हो यार, एक और कट लगाना पड़ेगा। हाँ, वो कभी कभी हो जाता है फ्लो फ्लो में। यूरोपियन सेना के कमांडर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उस तलवार का नाम रख दिया डेमेस्कस सॉर्ड, और यहीं से ये नाम पड़ गया। लेकिन ऐसा क्या खास था इसमें? देखो, उस समय की ये इकलौती ऐसी तलवार थी जिसे ये कहकर दुनिया के सामने रखा जाता था कि इसको जादू से बनाया गया है, क्योंकि ये थी ही इतनी कमाल। इसकी धार उस समय पाए जाने वाले हर मटेरियल से 10 गुना ज्यादा हार्ड थी, यानी आप दुनिया का कोई भी मटेरियल इसके टक्कर में ले आओ, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बोले तो अगर आपने 90 डिग्री तक भी इसको मोड़ दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती थी। ये उस समय की टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस के लिए हासिल कर पाना लगभग असंभव था, इसलिए ये खास थी। और इसको निर्माण करने वाले थे भारत के इंजीनियर्स, भारत के हथियार निर्माता। समय था गुलामी का, यानी मुगल एम्पायर का। भारत का दक्षिणी हिस्सा, यानी सदर्न इंडिया, इस तरह के स्टील को मैन्युफैक्चर करने का हब था। और क्योंकि उस समय भारत पर मुगलों का राज था, तो इस स्टील से बनाई हुई तलवार मुगल साम्राज्य में इस्तेमाल की जाती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया, अगर हम गुलाम थे और मुगल हम पे शासन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये टेक्नोलॉजी तो वो जबरदस्ती भी यहाँ से ले जा सकते थे। तो फिर ये टेक्नोलॉजी यहाँ से बाहर कैसे नहीं गई, और बाद में कैसे खो गई? ये हुआ ना सही सवाल, सुनो अब इसका जवाब। देखो, सबसे पहली चीज, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हमको चाहिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। अब क्योंकि उस समय पर आज के समय जो टेम्परेचर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हासिल करना लगभग असंभव था, तो भी हम इतना हाई क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस काम
काम के लिए साउथ इंडिया के इंजीनियर्स ने मानसून विंड्स का सहारा लिया, जिससे लगातार आग भड़कती थी। वेट अ मिनट, टेम्परेचर, मानसून, साउथ इंडिया। अरे एक बात बताओ, जब आज हम इतना टेम्परेचर हासिल कर सकते हैं तो आज ये तलवार हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मतलब आज तो हम और भी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर भी ये तलवार नहीं बना पा रहे हैं, इसके आसपास भी नहीं बना पा रहे हैं। ये तो सही ना लग रहा सुनने में। खाली टेम्परेचर का लोचा नहीं है, कुछ और भी है। हाँ जी बिल्कुल है, सुनो ध्यान से। देखो सच्चाई तो ये है कि स्टील को बनाने के लिए चाहिए हमें आयरन ओर, जो कि हर जगह अलग अलग क्वालिटी का मिलता है। यानी अगर कोई आयरन ओर अमेरिका में मिलता है, ब्रिटेन में मिलता है, जर्मनी में मिलता है और कोई भारत में मिलता है, तो इन चारों आयरन ओर की क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। और जिस आयरन ओर का इस्तेमाल करके डेमेस्कस स्टील बनाया जा रहा था वो भारत में ही मिलता था। ये सुन के थोड़ा सा चौड़ा होकर बैठने का मन कर रहा है, रुक जाओ। अब हो गया मैं चौड़ा। बहुत माल लूटा है बाहर वालों ने हमसे, लेकिन यहाँ आता है दिमाग में सवाल कि भैया टेम्परेचर हम आज प्रोड्यूस कर सकते हैं, आयरन ओर हमारे पास भरपूर है, फिर काहे नहीं प्रोड्यूस हो रहा दोबारा डेमेस्कस स्टील? अब कौन सी अड़चन आ गई? तो महाराज हुआ ये कि जब आप किसी चीज के पीछे हाथ धो के या नहा धो के पड़ जाओगे तो एक समय आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। यही हुआ, जिस ओर का इस्तेमाल करके हम इस तलवार को बना रहे थे वो ओर ही खत्म हो गया, और उसके बाद जिन कारीगरों ने इस तलवार का निर्माण किया था उनको मार दिया गया ताकि वो ये राज किसी को भी ना बता सके। हाँ जी, एक लाजवाब इंजीनियरिंग का एक दुखद अंत हुआ। और आज का मॉडर्न साइंस होते हुए भी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम उनके द्वारा किए गए इस जादू को दोबारा क्रिएट कर सके। लाजवाब और बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना था ये। अब यहाँ पर आया होगा आपके दिमाग में एक सवाल, जो कि नॉर्मल बात है, मेरी वीडियो देखोगे तो सवाल तो आएंगे। और सवाल होगा कुछ ये कि भैया तकनीक है 2000 साल पुरानी, तो उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हम आज के समय काहे ढूंढ रहे हैं, इतनी खास क्यों है? देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि विज्ञान ईंटों की दीवार की तरह काम करता है। जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखकर दीवार ऊपर बढ़ती है, इसी तरह से एक खोज के ऊपर दूसरी खोज करके विज्ञान आगे बढ़ता है। अब क्योंकि मेटलर्जी का वो प्रोसेस हमसे खो चुका है तो हमने मेटलर्जी में आगे तरक्की नहीं की। इस बात की अहमियत को समझिए, आज भी भारत जेट इंजन नहीं बना पा रहा। कावेरी इंजन फेल हो गया, चाहे पूरी तरह से ना हुआ हो पर कामयाब भी नहीं हुआ, और उसका सबसे बड़ा कारण है मेटलर्जी यानी मटेरियल साइंस। तो जब इतिहास में हमारे विज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो हम आगे कैसे बढ़ते? इसीलिए कहा जाता है जिस देश का अपना इतिहास नहीं उसका कोई भविष्य भी नहीं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकती थी, यानी कहां पर भूकंप आने वाला है। हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक भी ऐसी टेक्नोलॉजी की कोई कॉपी नहीं बनी। यानी आज भी हमारा मॉडर्न साइंस अर्थक्वेक को आने से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हां बात तो सही है, इसीलिए अर्थक्वेक आने के बाद हम ये बताते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तीव्रता का था, यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। अब अगर ये बात सही है तो ये जो एंशियंट टेक्नोलॉजी थी यानी पुराने समय का विज्ञान, ये किस तरीके से काम कर रहा था और ये किसने बनाया? आओ जानते हैं इसके पीछे कहानी। लेकिन उससे पहले आप जरा ये सोचिए कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? देखिए लोगों की जान बचाने के लिए अगर अर्थक्वेक के आने से पहले हमें ये पता लग जाए कि कहां पर अर्थक्वेक आने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है और नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इसलिए खास है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक अपना काम करके चला जाता है और फिर बाद में हम जान माल के नुकसान का जायजा लेते हैं और बचाव और राहत कार्यों को उसी के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ये टेक्नोलॉजी थी चाइना के पास और इसको बनाने वाले का नाम था चोंगयोंग। इनके नाम इतने अजीब होते हैं। तो भैया चाइना के साम्राज्य में चाइना के राजा का चीफ एस्ट्रोनॉमर एक बड़ा ही विचित्र सा इंस्ट्रूमेंट बनाकर राजा के सामने लाता है और कहता है, महाराज हो गए दुख दूर सारे क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर है पधारे। ये देगा भूकंप आने से पहले उसका ज्ञान, बताओ कैसा लगा हमारा समाधान? और भैया महाराज बोले, ये काम कैसे करेगा जरा हमें भी बताओ। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये चलता कैसे था, जरा ये जान लो कि ये टेक्नोलॉजी समय के साथ खो गई, चाइना वालों ने घुमा दी। आज के समय इसका कोई सबूत ना है सिवाय इस चीज के कि इस टेक्नोलॉजी पर जो डॉक्यूमेंट चाइना के इतिहास में पब्लिश हुए हैं उसमें इसके रफ डायग्राम है। और आप तो जानते ही हो इतिहास में दी हुई चीजों को जोड़ तोड़ कर हम मीनिंग निकाल लेते हैं, तो जो वर्किंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये जोड़ तोड़ की ही है, असली वाली नहीं। तो अब सुनो ध्यान से। भैया ये था एक कॉपर का बर्तन, बोले तो घड़ा कह सकते हो, जो ऊपर से बंद था और इस बर्तन के चारों तरफ 8 ड्रैगन लगाए गए थे। उन ड्रैगन के मुंह में थी एक लोहे की गेंद और उसके नीचे 8 मेंढक बैठे थे जिन्होंने अपना जबड़ा खोला हुआ था। अब होता ये था, जिस डायरेक्शन से अर्थक्वेक आ रहा है उस डायरेक्शन का ड्रैगन अपने मुंह की लोहे की गेंद को इस मेंढक के जबड़े में फेंक देता था और पता लग जाता था कि भूकंप आ रहा है। अब भैया इस एक्सप्लेनेशन को सुन के चाइना के कोर्ट में लोग हंस हंस के मर जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस फुंतरू के काम करने पर विश्वास था ही नहीं। अब भैया राजा के दरबार में जब इस
यंत्र की प्रदर्शनी चल रही थी, तभी अचानक से एक ड्रैगन के मुंह से गेंद निकलकर मेंढक के जबड़े में गिर जाती है। तो लोग हंस हंस के बावले हो जाते हैं, कहते कहाँ है भूकंप, हमें तो ना नजर आ रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हिल रहा। अब भैया इसका निर्माता इस बेइज्जती से हो जाता है परेशान और चला जाता है लेकर अपना तामझाम। लेकिन 4 दिन बाद राजा के पास आती है खबर कि महाराज 400 मील की दूरी पर आया था भूकंप। राजा देता है फरमान, जाओ रे सैनिकों, ढूंढ के लेकर आओ वैज्ञानिक महान जिसने बनाया था वो तामझाम, और तब जाकर मिलता है इन्हें इनके हिस्से का सम्मान। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे ये ठीक नहीं है, ना ना ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये क्या है, ड्रैगन मेंढक एक ने गोला थूका दूसरे ने गटका, पर ये वर्किंग थोड़ी है, वर्किंग कौन बताएगा, अरे काहे करते हो चिंता, हम बताएंगे, ऐसी छोटी मोटी चीजों की वर्किंग तो आसानी समझ में आ जाती है, सुनो अब ध्यान से। अब देखो ऐसा माना जाता था कि इस जुगाड़ के अंदर एक पेंडुलम था और उस पेंडुलम के नीचे एक धातु की गेंद लगी हुई थी। अब जैसे ही धरती का वाइब्रेशन साइज्मिक वेव का वाइब्रेशन इस पेंडुलम को हिलाता था, मान लेते हैं कि ये हिला लेफ्ट को, तो पेंडुलम के हिलने से लोहे की गेंद चलती थी राइट को और वो राइट डायरेक्शन में एक स्लाइड पर फिसलती हुई एक पत्ती से जाकर टकराती थी और उस पत्ती को आगे धकेलते हुए ड्रैगन का मुंह खोल देती थी, जिस मुंह के अंदर एक और गेंद रखी हुई थी और ये गेंद टपक कर मेंढक के जबड़े में जाके गिर जाती थी और पता लग जाता था कि किस दिशा से भूकंप आ रहा है। अब क्योंकि ये इतना सेंसिटिव था, जो बहुत बारीक से बारीक धरती के अंदर हो रहे वाइब्रेशन को भी पहचान सकता था, कई सौ किलोमीटर से पहचान सकता था, तो बजाय 5-7 दिन बाद पता लगने के कि भाई इतने किलोमीटर दूर भूकंप आया है, इसका तुरंत पता लग जाता था और राजा समय से मदद पहुंचा पाता था। अब ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का पहला साइज्मोमीटर या साइज्मोग्राफ इटली में 1884 में बनाया गया था और ये टेक्नोलॉजी लगभग आज के समय से 2000 साल पुरानी। अब भैया 2019 में चाइना के रिसर्चर्स ने इस डिवाइस को रिक्रिएट कर लिया। अब क्योंकि ये चाइनीज इतिहास का हिस्सा है तो कम से कम ये बात तो कह सकते हैं कि दुनिया का पहला भूकंप की जांच करने वाला जुगाड़ हमने बनाया है। तो जब उन्होंने ये रिक्रिएट किया तो इसने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे कि इसको करना चाहिए था, जैसा उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था। बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने यहाँ की तरह नहीं करते कि इतिहास के पोथी पत्रे बांधे और साइड में फेंक दिया और उसे चूहे कुतर रहे हैं। नहीं, अब बात करते हैं कि ऐसी खोज के बारे में जिसे यूरोप वाले अपने सीने से लगा के बैठे हैं, लेकिन उसकी खोज हुई थी बगदाद में यानी इराक में और अमेरिका उसे लूट कर ले गया। हाँ जी, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ बगदाद बैटरी की। अब क्यों यूरोप वाले इसे क्लेम करते हैं, कैसे ये बगदाद में पहुंची और कैसे अमेरिका ने लूट ली, ये सारा घटनाक्रम अब जरा विस्तार से समझो। 1938 में बगदाद के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में फिरंगी रिसर्चर्स को एक मिट्टी का बर्तन दिखाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5 इंच थी। उसमें एक कॉपर सिलेंडर था, एक लोहे की छड़ थी और ये सामान लगभग 2000 साल पुराना था। बोले तो पुराने जमाने की एक टेक्नोलॉजी। अब क्या था ये, भैया ये थी एक बैटरी, 2000 साल पहले बनाई गई बैटरी। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो एक बैटरी के लिए हमें दो अलग तरह के मेटल चाहिए, वो इसमें मौजूद है, एक कॉपर और एक आयरन। इसके अलावा चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए नींबू का रस या विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब भैया अंग्रेजों ने खड़े करे सवाल, उन्होंने ये कहा ऐसे कैसे मान ले, हम रिप्रोड्यूस करेंगे और अगर ये चल पड़ी तब सोचेंगे कि ये दुनिया की पहली बैटरी है। क्योंकि हमारे लिए तो आज तक दुनिया में सबसे पहले बनाई गई बैटरी बनाई है अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। बगदाद वाले बोले कर लो रिप्रोड्यूस, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो यही है पहली बैटरी। अब भैया अंग्रेजों ने इसे दोबारा रिप्रोड्यूस किया और ये काम कर गई। इसने 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, जो थोड़ी है लेकिन काम तो करती है। अब सुनो सबसे जरूरी बात, इसको रिप्रोड्यूस करने का काम किया था जर्नल इलेक्ट्रिक ने और इसके ऊपर की गई रिसर्च का जो रिसर्च पेपर छपा था वो छपा था जर्नल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी में। अब इटली वालों को इस चीज से बड़ी दिक्कत हुई। इटली वाले बोले हैं कुछ भी, बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया है, हम हैं दुनिया की पहली बैटरी के आविष्कारक। 2000 साल पहले तो बैटरी का कोई इस्तेमाल भी नहीं होता होगा, तो ये लॉजिक की बात नहीं है, ये बेकार का आर्टिफैक्ट है, बैटरी हमने ही बनाई है, दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी का रास्ता हमने दिखाया है, हमारा क्रेडिट ना छीनो। पर भैया जो सच है वो तो सच है, उसे कौन झुठला सकता है। कमाल की बात ये है, अगर आप गुगली बाबा से पूछोगे तो भैया गुगली बाबा तो वही डुगली बजाएंगे जो फिरंगी चाहेंगे। बोले तो ना पालो भ्रम, कभी कभी झूठी भी होती है गुगली बाबा की डमडम। पहली बैटरी का क्रेडिट अलेक्जेंड्रो वोल्टा को ही दिया जाता है, हालांकि उनकी बैटरी भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करती थी। उन्होंने कॉपर और जिंक के छल्लों के बीच में नमक के पानी में गत्ते को डुबोकर लगा दिया और बना दी पहली बैटरी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती थी, दो मेटल जिनका व्यवहार अलग है और एक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या ये हो सकता है कि बगदाद बैटरी की टेक्नोलॉजी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इस्तेमाल की हो, वो भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी दोबारा रीइन्वेंट की गई हो। लेकिन हम ये तुक्के क्यों
क्यों लगा रहे हैं, ठोस बात क्यों नहीं कह रहे हैं। तो भैया इस चीज के लिए जिम्मेदार है अमेरिका, क्योंकि 2003 में सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाने के लिए अमेरिका इराक पर हमला कर देता है और लूट खसोट करने के बाद महंगे महंगे सामान यानी कि इराक के नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री से बहुत सारे सामान को गायब कर देता है, जिसमें ये बगदाद बैटरी भी थी। इसीलिए आज के समय हमारे पास कोई भी ठोस जानकारी नहीं है कि हम इससे जुड़े हुए इतिहास की जांच पड़ताल कर सके। लेकिन इस बैटरी का जो इस्तेमाल हो सकता था यानी बगदाद बैटरी का, या तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जुड़ा होगा यानी कि एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, या फिर इलाज करने में इस्तेमाल होता होगा जैसे कि नर्व ब्लॉकेज या इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी देकर बीमारियों का इलाज करना। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये बगदाद बैटरी की टेक्नोलॉजी भारत से ही ट्रांसफर की गई हो, क्योंकि सुश्रुत शास्त्र में इस चीज का जिक्र किया है और आचार्य सुश्रुत भारत के पहले डॉक्टर कंसिडर किए जाते हैं। तो सच क्या है इसकी जानकारी हमें पक्की पक्की तो ना है। इतिहास इस चीज का गवाह है, जितने भी देशों ने भारत पर राज किया है उन्होंने इसकी संस्कृति, इसके इतिहास, इसके विज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है, हमारे देश की संपदा को लूटा है, हमारे ही विज्ञान को कॉपी करके हमें बेचा है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये लोग, ये बाहरी ताकतें हमारे देश के ऊपर इतनी आसानी से राज कैसे कर पाई, जिनकी दखलंदाजी आज भी लगातार हमारे देश के अंदरूनी मामलों में पुरजोर तरीके से जारी है। मैं इस चीज को समझता हूँ और अपनी कैपेसिटी में आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए मैं कहता हूँ जय हिंद जय भारत।